जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी का धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मांगों को पूरी कराने के लिए सफाई कर्मचारियों के संगठन ने जिला चिकित्सालय के प्रांगण में जोरदार नारेबाजी की और ठेकेदार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वह संस्था के जरिए जिला चिकित्सालय में कई वर्षों से सफाई का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके कार्य के लिए मात्र 3,000 और 5,000 की राशि ही दी जाती है, और जब ठेकेदार से तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो झूठा आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। सुशीला वाल्मीकि। अच्छा, यहाँ पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? ये तनख्वाह के मामले में बात कर रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। किसी से कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, मार्च से बढ़ जाएगी, अगली मार्च से बढ़ जाएगी। किसी से कहते हैं तो वो ये कहते हैं तुम छोड़ के चले जाओ तो 1,500 में आ जाएंगे, 2,000 में आ जाएंगे। कितने रुपए मिलते हैं आप लोगों को? ये धमकी देते हैं कि 2,500 में आ जाएंगे, तुम जाओ। आपको कितने रुपए मिलते हैं तनख्वाह? नाम 4,000 का, और छुट्टी करते तो वो पैसे कट जाते हैं, और 2 छुट्टी मिलती है। हम कहते हैं हमें 4 छुट्टी दे दो, अगले महीने में बात करना, अगले महीने में बात करना। 3,000 रुपए मिलते हैं हमें। अच्छा, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर तो ऊपर वाला मालिक है और हम बैठे हैं। आप सफाई का कार्य नहीं करेंगे? अभी तक नहीं कर रहे। कितने समय से सर्विस करती हैं? इनका ठेका और हमारा ठेका साथ साथ चल रहा, कई साल हो गए ऐसे करते करते। ड्यूटी करते थे, काम करते थे, बहुत साल हो गए हमारे को। हमारे साथ में काम करते उन्हें भी। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर प्रदर्शन? ये हम यहाँ पर सफाई का कार्य करते हैं। अच्छा, लखनऊ की कंपनी है प्राइम क्लीनिंग सर्विस सेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जब से इनका ठेका हुआ है मौखिक रूप से बार बार इनको अवगत कराते रहे हैं कि हमें 5,000 मिलते हैं, 2 छुट्टियां मिलती हैं। अच्छा, इसके अलग हम छुट्टियां करते हैं वो काट ली जाती हैं, जिसमें 5,000 हमें पूरे नहीं मिलते, पैसे बढ़ाए जाएं, लेकिन ये लोग उसको अनसुना कर देते हैं। हम बार बार अनेकों बार मौखिक रूप से इनसे कहते हैं। तो ठेकेदार का क्या नाम है यहाँ? और पीएफ ये कहते हैं कि पीएफ कट रहा है, लेकिन पीएफ कहाँ कट रहा है, किधर कट रहा है, कैसा क्या, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमें पिछले दिनों आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें 5,600 रुपए मिलेंगे, जिसमें 600 रुपए पीएफ के कटेंगे और 300 कंपनी अपनी तरफ से डालेगी, 900 रुपए पर मंथ पीएफ कटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सब ये फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, धोखा, हमारा शोषण हो रहा है। कितने समय से काम कर रहे हो आप लोग? हमें वैसे तो यहाँ कम से कम 10 साल हो गए जिला चिकित्सालय रामपुर में कार्य करते करते, लेकिन इन कंपनी के अंडर में 2016 से आए। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे? कोई कार्य नहीं करेंगे।